हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित यादव, इंग्लिश टीचर। तो कल हमने पढ़ा था टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जो फर्स्ट टेंस होता है उसका नाम होता है प्रेजेंट, सेकंड जो टेंस होता है उसका नाम होता है पास्ट, और जो तीसरा टेंस होता है उसका नाम होता है फ्यूचर। फिर हमने उसके भागों के बारे में पढ़ा। चार भाग होते हैं प्रत्येक टेंस के। पहले भाग का नाम इंडेफिनेट, दूसरे भाग का नाम कॉन्टिन्यूस, और तीसरे भाग का नाम परफेक्ट, और चौथे भाग का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम इन टेंस की जो टेबल है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और आप इसको समझना, बहुत इजी टेबल है, और मैं इसके आपको फोटो भी दूंगा साथ में, तो आप इसको समझना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। तो ये देखो, सबसे पहले हमने एक तरफ टेंस के नाम लिख लिए, तो आप भी ऐसे करना, टेंस के नाम लिखना। फिर आप बीच में क्या लिखोगे, इनकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में HV, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। हिंदी में हम हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। जो क्रिया की सहायता करे वो क्या होती है? सहायक क्रिया। और इसके बाद जो आएगी वो आएगी वर्ब। वर्ब का होता है क्रिया। अब मैं आपको बता देता हूँ क्रिया क्या होती है। क्रिया होती है किसी भी काम को करना। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी कार्य करते हो वो क्या गलत है? क्रिया गलत है। ये ध्यान रखना, उसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, क्रिया। किसी भी काम को करना क्या गलत है? क्रिया। तो हम उसकी टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट के साथ चार भाग लिख दिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार भाग हो गए। फिर पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हर एक टेंस के क्या हो गए? चार चार भाग हो गए। तो कुल भाग कितना हो गए? 12। अब देखो, सबसे पहले मैंने कॉन्टिन्यूस भाग में, यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, दूसरे भाग में, और जो चौथा भाग है, जो फोर्थ पार्ट है इसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्रत्येक टेंस का कॉन्टिन्यूस पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पार्ट, इसका भी यही कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अंदर मैंने सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING लगा दिया। क्या लगा दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING। और ये ध्यानना, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING लगा दिया। कौन से भाग में? सेकंड भाग में और फोर्थ भाग में, यानी कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING। तो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, ये देखो ये मैंने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING। उसके बाद प्रेजेंट जो परफेक्ट भाग है, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीसरे भाग में, यानी कि थर्ड भाग में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। कौन सी फॉर्म लगाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बचा फर्स्ट पार्ट। तो पहले भाग में, यानी फर्स्ट भाग में वर्ब की V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 आएगी, सिर्फ पास्ट को छोड़ के इसमें सेकंड आएगी, क्योंकि हम जो भी स्टोरी वगैरह बनाते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाते हैं, तो उसमें आती है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म V2। तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर देख लो, प्रत्येक टेंस के सेकंड और फोर्थ भाग में, दूसरे और चौथे भाग में V1 के ING लगती है। क्या लगती है? V1 के ING, ये देख लो। और थर्ड भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रत्येक टेंस के थर्ड भाग में थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट भाग में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट में इसमें क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये आपको याद रखना। अब ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सहायक क्रिया क्या लगेगी? तो प्रेजेंट में लगती है डू और डज। ये प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, तो इसमें लगेगी डू और डज। सेकंड भाग में लगेगी इजमआर, जिसमें कंटिन्यूस काम हो रहा है कोई, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजमआर। प्रेजेंट के परफेक्ट में लगेगी हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगेगी हैज बीन और हैव बीन। तो यानी कि जो तीसरा भाग है, थर्ड भाग है, उसके अपने को बीन लगानी है, BEEN बीन लगानी है उसको अपने को। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड, सेकंड भाग में वाज और वर, थर्ड भाग में हैड, और फिर फोर्थ पार्ट में क्या लगाना है अपने को? बी लगाना है। फिर ऐसे शैल और विल, फ्यूचर में शैल बी और विल बी, शैल हैव और विल हैव, और फोर्थ पार्ट में क्या लगाना है अपने को? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो ये हमारी टेंस की टेबल है, आप इसको अच्छे से याद करना, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। थैंक यू।